हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ न्यू अपडेट की पूरी जानकारी। इस अपडेट के अंदर गाइस जेसीबी को ऐड कर दिया गया है और पुलिस स्टेशन को भी ऐड कर दिया गया है, और जो भी चीज़ें ऐड हुई है मैं उन सभी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहे, और जिसने भी अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी को ऑल पर सेट कर दे। इससे क्या होगा, मेरे न्यू अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी मेरे चैनल के ऊपर। तो जल्दी से लाइक सब कर दो। चलो गाइस, मैं बताता हूँ एक नई कार का जिसका नाम है हमर। इसका नाम होने वाला है 888 0। जैसे ये नंबर आप डायल करोगे आपके पास हमर कार आ जाएगी, जो कि बाइक कुछ देखने के अंदर इसी तरीके से दिखाई देती है। भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी, और भाई बाहर से कुछ इस प्रकार से है, और गाइस अंदर से मैं आपको मैं भी दिखा देता हूँ। तो अंदर से आप देख सकते कुछ इस प्रकार का जो है इसका इंटीरियर होने वाला है, अंदर का डैशबोर्ड। और भाई इसको ड्राइव भी करके दिखा देता हूँ। भाई मुझे तो ये ड्राइविंग करने में बहुत ही अच्छी लग रही है, और फिर आपकी मर्जी आपको कैसे लगे। तो चलो भाई ये देख सकते हो, और गाइस अभी इसे स्विमिंग पूल के ऊपर से कूदाता हूँ और ये कूद गई, और देख सकते हो गिर गिर बच गई यार, वरना भी गिर जाते। चलो कोई बात नहीं गाइस, बट मेरे को तो ये गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा जो पसंद आई है। और गाइस इस गाड़ी से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कहीं कैंपिंग की। और गाइस ये गई कहीं, अरे भाई रोक तो, ब्रेक नहीं आया, ब्रेक नहीं, और ये फंस गई अंदर। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी इससे क्या करेंगे हम अपनी जेसीबी से निकालने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं आपको नेक्स्ट चीट कोड बताने वाला हूँ जेसीबी का। तो चलो गाइस अभी जेसीबी से ही इसे निकालने वाले हैं। तो अभी जल्दी से मैं क्या करता हूँ जेसीबी को मंगवाता हूँ। और भाई जिसको भी जेसीबी अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करना, बिल्कुल भूलना मत यार, क्योंकि मैं आपको जेसीबी का चीट कोड बताने जा रहा हूँ। जेसीबी का चीट कोड होने वाला है 6677। जैसे ये नंबर आप डायल करोगे आपके पास आ जाएगी एक जेसीबी यार। और भाई आप देख सकते हैं, और इसका बैठने का ऊपर आने वाला है। और भाई जैसे आप अंदर बैठोगे इसके सारे फीचर्स के बटन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और भाई इन बटन से आप इस जेसीबी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और भाई पीछे वाला डाले को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इन बटन से होने वाला है। आपके आप मुताबिक आप देख लेना, मेरे को पता है जहाँ तक तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। और भाई आप भी सीख जाओगे कुछ दिनों में इन बटन को देख कर। और भाई ये देख सकते हो आगे वाला भी अभी काम करेगा, और पीछे वाला तो आप जिससे काम कर रहा है, और आगे वाला भी आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। और भाई इसे हम ऊपर नीचे भी सकते हैं, ये नीचे किया अभी वह जल्दी से फिर से ऊपर करता, और ये देख तो गाइस ऊपर हो चुका है। और भाई आप फिर से नीचे भी कर सकते हैं, मतलब साइड हाइट से। भाई मैं सोचा क्यों ना इससे इसी से निकाला जाए, चलो इसी से निकालता हूँ यार, क्योंकि जैसे भी किस काम की यार, गाड़ी को तो निकालने के लिए जैसे भी काम आने वाली है। चलो भाई जैसे काम फन गाइस यार, ये तो इस जेसीबी से तो नहीं निकल पाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हमारा पुलिस स्टेशन भाई लास्ट और फाइनल चीज़ रही, और उसकी लोकेशन भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन, और गाइस मिलता हूँ आपको सीधा वहीं पर ही यार। सो फन गाइस हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन जो कि ये रहा। भाई अभी जल्दी से अपनी इस गाड़ी को करते हैं यहीं पर, साइड में तो नहीं करेंगे भाई, अपने ही स्टेशन है यार, कहीं पर भी गाड़ी को खड़ी करेंगे। और भाई ये रहा पुलिस स्टेशन जो कि आप देखते हैं इतना बड़ा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। और भाई गाड़ियाँ खड़ी करने में भी बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। और भाई चलो जल्दी से चलते हैं अंदर, और भाई एक स्टार लगा, और यहाँ पर हमारे को बैठने के जगह है। और भाई इस तरफ साहब बैठ सकते हैं, मतलब पुलिस वाले बैठेंगे। और भाई इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं ऊपर यार हमारी नज़र रखने के लिए।
और भाई ये रही सीढ़ियाँ के ऊपर, और ये जेल है। और भाई इसके अंदर अभी मैं नहीं जा सकता, बट इसके अंदर भी मैं जाकर दिखाऊंगा। और भाई ये रही सीढ़ियाँ, ऊपर हम नहीं जा सकते अभी। अगर गाइस आपको चाहते हैं कि मैं ऊपर भी जा सकूँ और इसका अपडेट आप लेके आ, तो लाइक शेयर कर देना, मैं कोशिश करूँगा। और भाई एक मेन बात रह गई भाई, आप यहाँ से देख सकते हैं कार से हमें बिल्कुल साफ बाहर दिखाई दे रहा है। और अभी मैं जैसे ही बाहर जाऊँगा ना भाई, आप देखोगे मैं कुछ भी नज़र नहीं आएगा साफ। भाई ये देख सकते हो दुल्हन दुल्हन नज़र आने लग चुका है यार, क्या कहा छे यार। चलो भाई ये देख लिया आपने हमारा पुलिस स्टेशन तो। और भाई इसकी लोकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और भाई जो ये हमारी कार है ना, इसे मैं लेकर सोच रहा हूँ कि ना कैंपिंग की जाए एक नाइट के लिए 24 आवर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं नाइट कैंपिंग करूँ, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना आप कैंपिंग करो, तो मैं गाइस ज़रूर से इस गाड़ी से कैंपिंग करूँगा। और भाई अभी आपको मैं बताने वाला हूँ हमारे इसके होम की लोकेशन, मतलब इस घर की लोकेशन भी बताऊँगा कि कहाँ पर जो है ये पड़ता है स्टेशन। और फाइनली गाइस ये जो हमारा इस पुलिस स्टेशन होने वाला है हमारे घर के बिल्कुल पास में होने वाला है, हम जरूर से देख सकते हैं। बिल्कुल हमारे घर के पास में ये होने वाला है, और एयरपोर्ट हमारे घर के बिल्कुल पास में। और चलो गाइस भी चलते हैं सीधा अपने घर पर। अभी मैं जेसीबी से क्या करने वाला हूँ, खड्डे करने वाला हूँ कहीं पर भी। तो गाइस अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, और भाई कमेंट के अंदर मुझे बताना मैं कैंपिंग करूँ या ना करूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।